हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आइए जानते हैं आज हम लोग एक इमरजेंसी लाइट जो ख़राब है इसको रिपेयर कैसे करेंगे। ये आप देख पा रहे हैं इमरजेंसी लाइट, ये 4.5 वोल्ट बैटरी ऑपरेटेड रिचार्जेबल इमरजेंसी लाइट है जिसका LED मिसप्लेस हो गया, यानी जहाँ पर LED रहना चाहिए वो गिरने की वजह से टूट के दूसरे जगह चला गया है। ये इमरजेंसी लाइट ख़राब नहीं है, तो आइए इसको देखते हैं कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे रिपेयर करेंगे इसको। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि घर में छोटी छोटी चीज़ ख़राब होती है और हम उसको अपने से ठीक नहीं कर पाते हैं, तो मैं अपने वीडियो के ज़रिए आप लोगों को ये सहायता करना चाहता हूँ कि आप घर के छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक्स गुट को अपने से ठीक कर पाओ। इसके लिए आपको एक टूल किट रखना है, आप पेचकस प्लास वगैरह रख के भी काम कर सकते हो। मैं अपने वीडियो में कम से कम टूल्स का उपयोग करता हूं ताकि आप लोगों को भी देख के लगे कि भाई मैं खुद भी कर सकता हूं। ये देखिए इसको ओपन हो गया है, ये आप देख पा रहे हैं इसका सर्किट बोर्ड दिख रहा है। ये देखिए कई बार ऐसा होता है कि इसका ऑफ ऑन स्विच ख़राब हो जाता है, फिर हमें मार्केट ले जाना पड़ता है, तो आप खुद से भी कर सकते हो। ये है बैटरी, इसका 4.5 वोल्ट का बैटरी है। ये बैटरी आपको 80 से 100 रुपया मार्केट में अवेलेबल है। ये देखो इसका प्लेट LED है, बहुत अच्छा रोशनी करता है ये LED, बट ये खिसक के दूसरी जगह चला गया है। इसको एक बार फिर से ऑन करेंगे, ये देखो जल रहा है। ये LED को फिट करने का जो नट था वो दोनों सेक्शन टूट गया है, बट इसे यहाँ पे फिट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ यदि हम फिट नहीं करें तो इसकी रोशनी सही से नहीं आएगी। ये देखो बहुत अच्छा रोशनी करता है और ठीक ठाक बैकअप भी देता है, एक बार चार्ज करने के बाद ये 4-5 घंटे जल जाता है। तो इसको हम लोग कैसे फिट करेंगे, इसकी जो भी नट थी वो सेक्शन टूट गया है, तो अब इसे हम एक देसी जुगाड़ की सहायता से इसको फिट करेंगे। मैं अपने वीडियो में वैसे भी कोई हैवी इक्विपमेंट का उपयोग कम ही करता हूँ ताकि जो भी हमारे दर्शक हैं वो खुद से भी घर पे कर सके। तो दोस्तों इसको एक जुगाड़ के माध्यम से इसको हम ठीक करेंगे। इसके लिए आपको लेना है एक पेपर सेलोटेप यानी कागज़ वाला सेलोटेप, आप कोई भी ले सकते हो, हमारे पास ये पड़ा हुआ था तो हम इसका उपयोग कर रहे हैं। कागज़ वाला सेलोटेप लेने से फ़ायदा क्या है कि इसमें कागज़ और पन्नी दोनों होती है, क्योंकि LED का प्लेट काफ़ी गर्म होता है, यदि आप पॉलीथीन टेप दोगे तो वो गल जाएगा और फिर LED अपने जगह से खिसक जाएगी। तो अगर आपके पास सेलोटेप कागज़ वाला नहीं है तो आप कागज़ नीचे से साट दो और ऊपर से सेलोटेप डाल दो, तो उसके भी ये अगर ये फॉल्ट आपको दिखता है। मैं इस वीडियो की सहायता से आपको और भी कई जानकारी दे रहा हूँ। यदि आपके पास इस तरह का इमरजेंसी किसी भी टाइप का इमरजेंसी लाइट हो और आपका ख़ासतौर से इसमें वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यह है कि यदि इसकी बैटरी ख़राब हो जाती है तो आप बैटरी भी चेंज कर सकते हो। ये देखो ये ऑन हो रहा है, यदि इसका बैटरी ख़राब हो गया तो आप इसको आराम से रिमूव कर सकते हो। ये यहाँ से हम लोग डेटा केबल डाल के चार्ज भी कर सकते हैं मोबाइल, और यहाँ से AC इन करेंगे। तो आइए एक बार इसको हम लोग देखते हैं कि चार्ज हो रहा है कि नहीं, इसके लिए AC प्लग लेते हैं। ये है AC कोड और ये देखो ये ब्लिंक कर रहा है LED, यानी चार्ज हो रहा है। दोस्तों इस तरह का इमरजेंसी में कई बार बैटरी ख़राब होता है तो आप आराम से बैटरी चेंज कर सकते हो, मात्र 2 पॉइंट होती है इसमें, प्लस और माइनस प्रिंट भी किया हुआ रहता है उस पर। ये कागज़ की सहायता से बैटरी को सेपरेट कर देते हैं और कैबिनेट क्लिप की सहायता से बंद होता है, तो देख लेंगे एक बार फिट हुआ क्या नहीं। ये अभी फिट नहीं हुआ है तो इससे दोबारा फिट करेंगे, और ये फिट हो गया, काफ़ी आसान है। अब इसमें 5 नट है, 5 नट को कस देंगे ताकि दोबारा कोई ख़राबी ना आए इसमें।
दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मैं इसी तरह आपके लिए टेक्निकल वीडियो लाता रहूँगा और आप हमारे चैनल से जुड़े रहो। ये देखो फिट हो गया, ये जल रहा है। तो अगर आपके पास भी इस तरह का फॉल्ट होता तो आपने ठीक कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।